What's up gamers, आप देख रहे हैं गैरी 2.0 और मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं, बट उससे पहले हम अमित बडाना और बीबी की वाइंस के लड़ाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्लिकबेट बनाना है मुझे। और दूसरा, उससे भी पहले मैं तुम्हें 4-5 गालियां दूंगा, क्योंकि तुम्हें गाली दिए बिना और कमेंट में मुझे गाली खाए बिना खाना नहीं पचेगा मेरा, समझे। So, अगर तुम नए आए हो, तुम देख सकते हो मैं मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। और अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बट जेन्युइनली मुझे लगता है कि फाइट पूरी फेक है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, इससे बताने से पहले क्या हगते हो तुम, धोते भी नहीं हगने के बाद। अमित बढ़ाने स्टोरी क्या डाली मेरे पास आगे, ड्रामा एग्जिस्ट लेके आनी, कंटेंट ही कंटेंट होगा। अबे जब तुम्हें पता ही, तो बताने की जरूरत क्या है, जोर जोर से चिल्ला के सबको बता दे कि हम ड्रामे के भूखे हैं, क्योंकि ड्रामे के बिना मेरा चैनल नहीं चलता, मेरा घर नहीं चलता, मेरी बंदी नहीं चलती। लूली होगी वो ड्रामे की वजह से, पाप लगे मुझे। और साले टैग तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि ड्रामा कवर करके, प्राइवेसी कंप्लेन आ गई थी उसपे। जब भी मैंने इस ड्रामे को कवर किया ना, मैंने कभी भी ड्रामा क्या है, क्यों है, किससे चल रहा है और क्या हो रहा है ये सब नहीं बताया, सिर्फ अपना ज्ञान पेल के चला गया हूं। और ये इसमें मेरी गलती भी नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही कमेंट करके बोलते थे ना, मैं ज्ञानी है, मैं ज्ञान पेलूंगा, लो वही करने लग गया हूं। कॉन्टेक्स्ट या फक दैट। और ये भी नहीं, कल की वीडियो में मैंने बात किया कि कैसे एक शादीशुदा आदमी चीटिंग कर रहा था, और मैं तुम्हें समझा रहा कि नहीं करनी चाहिए चीटिंग, गलत बात है। और मैं जज्बात में थोड़ा सा क्या बह गया उस बंदे की जगह पे, मैं तुम्हें झाड़ के चला गया। साला टॉप कमेंट है, दिल टूट गया सुन के। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तेरा सच्चा भाई हूँ, जो तेरा भला सोचता है कि तेरी शादी भी होगी और तेरे पास गर्लफ्रेंड भी होगी। क्योंकि असलियत में तो हम सबको पता है हमारी किस्मत में ही पकौड़े लगे हुए हैं, साले कुत्तों की जिंदगी। साला कल किसी ने कमेंट किया, मैंने बोला था ना कि मेरे को समझ में नहीं आता मेरे पास टाइम की कमी क्या होती है, मैं क्या करता रहता हूँ, टाइम ही नहीं बचता। किसी ने कमेंट करके बोला हुआ है, हिलाता ही होगा और क्या, अबे दिन भर कौन हिलाता है। और ये अमिताभ बच्चन के साथ क्या प्रॉब्लम है, पापी नरेशन मुझे टैग किया उसके किसी पोस्ट में कि मतलब कोई नागपुर का कोई कपल था, पुलिस कपल, तो दोनों की अलग अलग एरिया में पोस्टिंग थी, तो अमिताभ बच्चन ने MP के मिनिस्टर से बात करी, रिक्वेस्ट करी और फिर उनका तबादला करा दिया। मैं कहा वाह, ये भी न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है। अमिताभ बच्चन ने मेरे को राखी सावंत की याद दिला रहा आजकल, जहाँ हर दूसरे दिन न्यूज में होता है। मतलब KBC का एक एपिसोड था जहां पे उसने क्वेश्चन पूछा, जो IMF ऑफिसर है ना, गोपीनाथ करके कोई है, गीता गोपीनाथ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें उसने बोल दिया कि इतना सुंदर चेहरा और इकोनॉमी अच्छी बात है, बेसिकली तारीफ करी। तो ये कमेंट जो था ना गीता गोपीनाथ के ऊपर था, वो खुश है कि वो हो लेजेंडरी स्टार मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। पब्लिक ना सेक्सिस्ट है ये अमिताभ बच्चन पकौड़ा, लेजेंडरी मिलेनियल स्टार सेक्सिस्ट, हाउ कैन यू से दिस, सुंदर और इकोनॉमी। उसका मुंह है रावण थोड़ी है, एक मुंह है, बोल दिया उसने। जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा ना, वो अमिताभ बच्चन से सवाल कर रहे हैं, ए बोला कैसे थे तूने, क्या हरामी बनेगा रे तू, साले पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। नहीं अमिताभ बच्चन सेक्सिस्ट है तू, तुझे मालूम नहीं बट तू है हरामी लोग। और साले वो एंटरटेनमेंट बिजनेस से है, उसे पता है कोई भी पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी नहीं होती, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और सेम चीज मैं इसी पे अप्लाई करना चाहता हूँ अमिताभ बढ़ाना वर्सेस बीबी की वाइंस पे, क्योंकि सबको मालूम है लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है दोनों का ही, अमिताभ बढ़ाना का आत्मविश्वास वाली वीडियो है और बीबी का पूरा सीरीज है, वेब सीरीज जिस पे वो काम कर रहा है, दोनों के ये चीज आने वाली है। और एक साइड से अमिताभ बढ़ाना बोल रहा है और जब भी वो बोलता है तो उसमें अपना वो प्लग जरूर मारता है, #alwaysplug, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये फेक हो सकता है, मे बी। हाँ अरे मैं 4-5 देता हूँ, फिर 4-5 के बाद तू भी आ जाइयो, बड़ा ड्रामा करें, दोनों का काम हो जाएगा, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा सच है। और दूसरा ये है कि जब पहली बार अमित बढ़ाना ने पोस्ट डाली थी, उसके बाद उसने लाइव स्ट्रीम में बोल दिया था कि यार मैं बोल देता हूँ, मेरे को जो बोलना होता है, मेरे को अब कुछ नहीं करना, मेरे को काम पे फोकस करना है, ले अमित बढ़ाना 2-3 दिन बाद फिर आ गए मीम बना, पीड़ मीम है यार, अरे मीम है यार, किसी को खुशी मिल रही है ना, हम भी तो इग्नोर मारते ही हैं कमेंट में, तो कितने लोग गंजा बोलते हैं मुझे, गंजा ओपी आज होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ इज्जत की बात है, गंजा ओपी चाहिए मुझे। तो मुझे लग ही नहीं रहा कुछ रियल है इसमें, क्योंकि कोई वैलिड, क्योंकि अगर वैलिड चीज होती तो सबके सामने अब तक आ चुकी होती, अभी तक मेरे को कुछ भी वैलिड प्रूफ नहीं दिखा है। तो ये मेरे पास सोच है जितना मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, क्योंकि दोनों के बहुत मेजर प्रोजेक्ट है और दोनों जगह पे प्लग होएगा ही चीज। और इवन अभी तो बीबी उसके साथ भी था, फरहान, फरहान नहीं फराखान, आओ कहानी करते, बहुत न्यूज हो गई
बोर हो गया मैं, मतलब दो नियो द्वार है बट बताने का मन नहीं, अब मेरे को कहानी बतानी मुझे। तो ये मेरी कहानी नहीं है, पहली चीज मैं बता दूं, मेरे सपने भी नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन कहानी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी और हॉरर से रिलेटेड ही है। तो कहानी किसी और की है बट बताऊंगा मैं मेरे स्टाइल में, जहां से ये कहानी उठाई है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने भी कहानी लिखी वो ठीक है, बट क्योंकि मैं मेरे सपने के हिसाब से बताना चाह रहा हूं ताकि और ज्यादा बेटर कॉन्टेक्स्ट बने, तो शुरू कर। कल की बात है, कल मैं अपना वीडियो एडिट करके लेट था, अपलोड गया मैं, फिर उसके बाद मेरे को डिस्कॉर्ड पे जाके उनके साथ गेम खेलनी थी 5000 की, तो मैं वो खेल रहा था, कल कोई जीत नहीं पाया, तो आज हम फिर से खेल रहे होंगे। और ये सोच के मैं चला गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। मैं उठता हूँ, मैं फोन देखता हूँ और मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये सारी पुरानी न्यूज़ मेरे को पता चल रही है, सारी की सारी। क्या है ये, तो 4 साल पुरानी न्यूज़ बता रहे हो तुम मुझे। फिर मैं डेट देखता हूँ, डेट हो गया 2016 बैक इन टाइम, और ऐसा वैसा टाइम नहीं जहां पे मेरे को जॉब पे जाना पड़ता था, साले कुत्तों की जिंदगी। इतना मैं सोच ही रहा था, इतने में मम्मी गेट खटखटाती है, अरे जा उठ जा, तैयार नहीं होना, ऑफिस नहीं जाना। मैं कहा हाई लॉ, जिंदगी बर्बाद, बहान हो कुछ निकला है, ओ माय गॉड, तुरुल 200 का नोट बेड़ा। एक जमाने में हम भी गरीब हुआ करते थे, भटक रहा हूँ। तो मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, ऑफिस में वही 4-5 बात सुनता हूँ ऑफिस में, क्योंकि मुझे याद भी नहीं कौन से प्रोजेक्ट मुझे दे रखे हैं। हाँ, पर ये रिपोर्ट क्या है यहाँ पे, ये ग्राफ क्यों नहीं है, मुझे क्या मालूम ग्राफ क्यों नहीं है, तू देख ले बना ले उतना। जैसे जैसे मैं दिन खत्म करता हूँ, मेरे को कॉल आती है मेरे दोस्तों की, अरे अभिषेक ये फ्राइडे अब मिलते हैं यार, बहुत दिन हो गए। ये वो मेरे दोस्त स्कूल वाले दोस्त। तो मैं कहा ठीक है यार, फ्राइडे है, सैटरडे हमारी छुट्टी होगी, तो कोई हर दिन ही पार्टी कर लेते। तो मैं बोलता ठीक है, आ जाओ अपने पुराने अड्डे पे। तो एक यहाँ पे ना ढाबा टाइप का है, तो रेस्टोरेंट बोलना चाह रहा था बट फिर मेरे को याद आया मैं गरीब हूँ। सो यहाँ पे एक ढाबा टाइप का है जहाँ पे हम लोग स्कूल टाइम में बैठते थे जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते थे। तो आज भी वही है, हम चेंज नहीं करते स्पॉट, सारे लड़कों का यही है। तो मैं पहुँचता हूँ ढाबे पे मेरी शिफ्ट खत्म करने के बाद, थोड़ी देर बाद अंशु आ जाता है, रंजीत आता है अपना वो छोटा धनुष, और रोहित आ जाता है। रोहित के बारे में सुना होगा बट अभी तक उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी हमने। एक तो हमारा ग्रुप ना 10-12 बंदों का है बट देने वाले गोली सबके सब हैं। मैं सबसे बड़ा गोलीबाज हूँ बट मैं पहुंच गया, बाकी कोई नहीं आया, बस हम चार। तो वही थके हुए थे हम सब, तो ज्यादा एनर्जी थी नहीं कुछ करने की। तो मैं कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं, फिर आराम से घर जाएंगे और सो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्कूल की, यादें बात कर रहे हैं, स्कूल में कौन किस पे लाइन मार रहा था, अभी क्या कर रहा है, बच्चे किसके हो गए, शादी किसकी नहीं हो रही, कौन मांगलिक है, कौन माइक्रो पीपी, कौन बड़े लोग गैंग, ये सब डिस्कस कर रहे थे। और मतलब ये होता है ना कि अपने स्कूल दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलो तो बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए, शेयर करने के लिए। मतलब शुरुआत ऑकवर्ड होती है बट धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगता है। मतलब हम 8 बजे के बैठे हुए वहाँ पे और पूरा भरा हुआ था वो ढाबा, और धीरे धीरे खत्म होने लग गया, मतलब लोग जाने लग गए, सब यार मतलब खाली हो गया। रात के 1 बज रहे, घर से कॉल आ रही है, हम लोग लगे हुए वहीं पे। ढाबे के ओनर को आके बोलना पड़ा, भैया अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है तो करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, हमारा भी हो ही गया है साहब, तो हम अपना पैक करते हैं और फिर चार एक दूसरे को बाय बोलते हैं। और मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, एक्चुअली गाड़ी नहीं थी बट इस स्टोरी में बताने के लिए मुझे गाड़ी बोलना पड़ेगा। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, नींद भी आ रही है, थके हुए भी ऑफिस के, तो मैं बैठ के गाड़ी ड्राइव करना लगता हूँ। अभी वहां से यहां तक आने में मेरे को 1 घंटा लगना है, बट अगेन रात का समय तो ज्यादा ट्रैफिक था नहीं, मैं अपना फुल स्पीड में चला रहा हूँ, बट नींद भी आ रही है तो सेफ्टी भी बनानी है क्योंकि जान पे आ रही है बहन की। तो मैं सोचते रेडियो ऑन कर दे तो कुछ गाना सुन लेंगे, बट साला रेडियो ऑन ही नहीं हो रहा, बाकी लाइट वाइट चल रही है सारी, वो नहीं होता झिंग 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 आवाज आती है उसकी, जैसे सिग्नल लॉस्ट की आवाज आती है वैसा आ रहा है, कोई स्टेशन नहीं लग रहा। मैं कहा बहन की आंख, मुझे लगता है खराब हो गया, इसको सही कराना पड़ेगा। मैं अपना सर उठाता हूँ और सामने देखता हूँ, सामने एक बच्ची है और मैं स्पीड में हूँ, मैं उसको बचाने के चक्कर में रोकने की कोशिश करता हूँ, साइड लेता हूँ, बाल बाल बचता हूँ, बट मेरे को पता नहीं वो लड़की को चोट लगे कि नहीं लगे, क्या हुआ। मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मेरी टेंशन हो रखी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं उतर के पीछे देखता हूँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो गाड़ी स्किड मारी उस टायर के निशान भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया, सुनसान रोड पे बीच में एक इंसान दिखता है, गाड़ी स्किड होती है, इंसान गायब होता है, ये सब हमने मूवीज में देखा है। मेरी जी फट गई, मैं भाग के गाड़ी में बैठा। और उस टाइम मैंने मुझे अपने आप पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैं राम 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 कर रहा हूँ, मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं थी, पाप लगे मुझे। मैं वहां से भागता हूँ, मैं घर पहुंचता हूँ, मैं घर लॉक करता हूँ और बच गए। और जैसे मैं लेटता हूँ ना बेड पे,
मेरे को कॉल आती है अंशु की, तू पहुंच गया घर? मैं कहा हाँ पहुंच गया मैं। नहीं मैं पैसे ठीक है ना, तू कुछ हुआ था नहीं तेरे को? मैं कहा ठीक है, तो इतना डरा क्यों है? मतलब ठीक है इतना प्यार है दोस्ती वाला, बट बंदी थोड़ी है तो मेरे इतना डर के पूछ रहा है। तो वो मुझे बताता है कि जब वो वापस आ रहा था ना, तो उसके साथ भी ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ जहां पे उसने सामने मुझे खड़ा देखा और वो गाड़ी चढ़ा गया मेरे ऊपर, बट जब उतर के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तो वो बस मेक श्योर करना चाह रहे कि मैं सही सलामत हूँ। और मेरे को बहुत वियर्ड लगा क्योंकि सिमिलर चीज मेरे साथ हुई बट मैंने किसी और को देखा था। मैंने कहा एक काम कर, अभी रहन दे, चिल मार के सो जाते हैं, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि ये सेम चीज़ बाकी दोनों के साथ भी हुई है, रोहित और रंजीत के साथ भी हुई है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबको मैसेज मारता हूँ कि यार 11 बजे मिलते हैं वहीं पर और बात करते हैं इस बारे में, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे वहीं पर। तो मैं अपना तैयार होकर मैं पहुँचता हूँ 11 बजे और अभी तक कोई नहीं है, मैं सबसे पहले पहुँचा। बट वो ढाबा जहाँ पे हमने कल खाया था वहीं पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि पूरा ढाबा तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे आग लगी थी, मतलब फायर ब्रिगेड खड़ी है वहाँ पे जो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, बॉडी निकालने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोग जमा हो रखे हैं वहाँ पे। और मेरे समझ नहीं आया हुआ क्या है यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ एक बंदे से, पूछता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कल रात तक हम सही थे, हम जानते भी हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। कहता कल रात को यहाँ पे आग लगी है और कोई भी निकल नहीं पाया, इतनी गंदी आग लगी कि सारे लोग अंदर ही फंस गए। और मैं कोई सेंस ही नहीं बन रहा क्योंकि कल रात मैं यहाँ पे था। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बच्चा, आग लगना, मौत। एक दिन छुट्टी लेने, मतलब एक दिन एंजॉय करने में इतना कंफ्यूजन और पागल होता जा रहा हूँ। और ये मैं सोच रहा होता हूँ तभी सामने स्ट्रेचर पे एक आदमी को लेके जा रहे होते हैं और मैं उसका चेहरा देखता हूँ जला हुआ सा, बट ये चेहरा काफ़ी सिमिलर साउंड हो रहा है मुझे, मतलब साउंड हो रहा है मेरे का, दिख रहा है मेरे को, याद है मैंने इसको देखा है। ये वही बंदा है जिससे मैं बात कर रहा था, बट अब वो वहां पे नहीं है, वो जा चुका है। मेरी जी फट रही है, इतने में अंशु भी आ जाता है। मैं अंशु को बताता हूँ यार यहाँ पे रात को आग लगी, बट वो भी वही सेम क्वेश्चन कर रहा है कि रात को तो हम यहाँ पे सबसे आखिरी निकले थे, किसी को होना ही नहीं चाहिए था। मैं उसे अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा यहाँ पे, अभी ये जिसकी बॉडी गई वो ही बंदा था, इतने में एक और बॉडी जा रही होती है किसी बच्चे की, मैं उसका चेहरा देखता हूँ और मुझे ऐसा, ये वो बच्ची है जो कल रात मैंने अपनी गाड़ी से देखी थी और उसकी बॉडी ले जा रही है। इतने में बाकी दोनों भी आ जाते हैं, हम दोनों उनको अपडेट करते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। और इतने में मुझे वो बच्ची वापस दिखती है एम्बुलेंस के सामने खड़ी, वो हाय करती और मुझे पीछे पलट के देखने के लिए कहती है। वहां पर चार बॉडियां पड़ी हुई हैं, मैं चारों का ध्यान वहां पे करता हूं और मैं बताता हूं कि वो लड़की पीछे एम्बुलेंस के पीछे खड़ी है। और हम लोग मुड़ के देखते हैं, अब वो लड़की हमारे साथ खड़ी है और धीरे से बोलती है जाने का टाइम हो चुका है। क्योंकि इसी नोट पे एंड बोलूंगा ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मिलियन के हम बहुत करीब है। और मैं बोलता हूं तुमसे थोड़ी देर में अपनी सेकंड चैनल पे क्योंकि हम कर रहे हैं 5000 का गिव अवे, ऐसी सेक्सी लग रहा था। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पीस।